आगे बढ़ते हैं। लंदन में एक इंटरव्यू में बोले राहुल गांधी, बीजेपी के खिलाफ देश में बहुत गुस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी हद तक गुस्सा दिखाई दिया है। बीजेपी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। भारत को पहले काफी अलोकतांत्रिक हो चुका है, चीनी हमारी जमीन पर प्रवेश कर गए हैं। बीजेपी चाहती है कि देश खामोश रहे। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया है। सरकार के खिलाफ बोलने पर हमला किया जाता है। बीबीसी के साथ कुछ ऐसा ही किया गया। पीएम विदेश में जाकर कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में ये कहा है। लंदन वो मौजूद हैं इस वक्त, और लंदन दौरे के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि बीजेपी के खिलाफ देश में बहुत गुस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा में काफी हद तक गुस्सा दिखाई दिया है। बीजेपी को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पसंद है। भारत पहले काफी अलोकतांत्रिक हो चुका है, पहले से काफी अलोकतांत्रिक हुआ। बीजेपी काल की उन्होंने बात की और कहा कि बीजेपी काल में हर चीज जो है वो बीजेपी अपने अनुसार चाहती है। बीजेपी पर हमला करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि चीनी हमारी जमीन पर प्रवेश कर गए हैं और बीजेपी चाहती है कि देश खामोश रहे। मैं खामोश रहूं, और जब मैं इस तरह का हमला करता हूं या जब बात खुल के कहता हूं तब उस वक्त मुझ पर बीजेपी हमलावर हो जाती है। मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया है। सरकार के खिलाफ बोलने पर हमला किया जाता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि बीबीसी के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पीएम विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, अब सब कुछ बदल रहा है। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित जी, ये राहुल गांधी जब लंदन में हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस दौरान भी बीजेपी पर हमला बोला, इससे पहले भी बहुत कुछ बातें कही हैं। बिल्कुल, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ उनका इंटरेक्शन था और उस इंटरेक्शन में उन्होंने जो बातें कही, जो उससे पहले उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी बात कही थी, उसी को एक तरीके से दोहराया है। क्योंकि भारत में उस बयान को लेकर काफी ज्यादा राजनीति हो रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल ने देश की छवि को विदेश में खराब किया है, खासतौर से पुलवामा के मुद्दे और चीन की तारीफ करके। तो राहुल ने अब जाकर फिर कल इस बात की तस्दीक की कि वो इंटरव्यू, वो जो उनका व्याख्यान था, वो किसी तरह देश के खिलाफ नहीं था, वो देश की मौजूदा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। तो राहुल ने उसको क्लेरिफाई किया है तमाम चीजों को कि किस तरह है उन्होंने पुलवामा के विषय में अपनी बात कही। और हाँ, उन्होंने एक चीज और कही है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं देश में, जिसको राहुल पहले भी कह चुके हैं, वो किसी दबाव में काम कर रही हैं और ये दबाव निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से है। उन्होंने आरएसएस पर भी अटैक किया है और कहा है कि लोग आरएसएस की राजनीति, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं, जो मुझे भारत जो यात्रा में लगा। यानी राहुल गांधी कुल मिलाकर इस तमाम चीजों को एक तरह से अपनी सफाई दी है। जो भारतीय जनता पार्टी का कल का आपने देखा होगा एग्रेसिव अटैक था, उस अटैक को लेकर राहुल ने आज अपनी सफाई भी दी है। और कांग्रेस इसको लेकर, कल भी कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रिया श्रीनेत ने, जिसमें इस बात की सफाई दी गई थी कि राहुल के बयान को, जो बयान उन्होंने दिया है उसको देश से जोड़ा जा रहा है, जबकि वो सरकार के खिलाफ बयान था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी पूरी जानकारी के लिए।